इंडियन प्रीमियर लीग के 30वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर राजस्थान रॉयल्स के साथ, जहां दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से हरा दिया है। जीत के हीरो रहे शिखर धवन और श्रेयस अय्यर। इस जीत के साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। राजस्थान की पारी में मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज एक बार फिर फेल हो गए। आखिर में राहुल तेवतिया से फैंस को उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान की टीम को इस बार वो रेस्क्यू करने में फेल हो गए। पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर महज 148 रन ही बना पाई। मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। दिल्ली ने शिखर धवन और कैप्टन श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवरों में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। वहीं राजस्थान के लिए बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि रॉबिन उथप्पा ने 32 रनों का योगदान दिया। संजू सैमसन ने 25 और ओपनर जोश पटलर ने 22 रन बनाए। राहुल तेवतिया 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। दिल्ली के लिए अपना पहला मैच खेल रहे तुषार देशपांडे और एनरिक नौतजे ने 2-2 विकेट झटके, जबकि कागिसो रबाड़ा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 1-1 विकेट लिया। एनरिक नौतजे को उनकी शानदार गेंदबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में राजस्थान रॉयल्स की आधी टीम 110 के स्कोर पर पवेलियन उस वक्त लौट गई जब अक्षर पटेल ने रियान पराग को आउट कर दिया। वो पारी के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौटे। इसके बाद राजस्थान की टीम मैच में वापसी ही नहीं कर पाई। दिल्ली की टीम 8 मैचों में 6 जीत और 2 हार के साथ 12 अंक लेकर अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंची है। वहीं राजस्थान की टीम अब भी 7वें नंबर पर बनी हुई है। आपको दोनों टीमों के बीच हुआ ये मुकाबला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। Hey!